अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां है शेफ फैसल, तहां दी सुपर कुकिंग शो। उम्मीद है सब खैरियत से होंदा। ईवा कुकिंग ऑयल, ईवा बनस्पति घी से अगर ठंडा इन खादा, वाइटमिन ए ऐं डी का भरपूर, कोलेस्ट्रॉल के कंधो कंट्रोल, ओमेगा थ्री कैप्सूल जी असा खाइंदा आयूं, वो ओमेगा थ्री मच्छी जी अंदर हों जो समुंड में होंगी उनका काफ़ी फादियत होंगी, काफ़ी फायदा थन्दा। मच्छी वाला कैप्सूल जो असा खाइंदा वो ओमेगा थ्री में मौजूद है। तमाम बेहतरीन कनोला कुकिंग ऑयल जो तीन हार्ट डिजीज ला तमाम बेहतरीन है, जॉइंट्स पेन ला जो जोड़न जो दर्द थन्द के अलावा कोलेस्ट्रॉल वधियल हों उन भी तमाम बेहतरीन है। सनफ्लावर जो कुकिंग ऑयल है वारन लाए अखियन लाए तमाम सुठे इनमें फॉर्मूला मौजूद है। तो यो कुकिंग ऑयल वो इनमें खादा ठाओ। बनस्पति घी तमाम बेहतरीन है, तमाम सुठी खुशबू उनमें नई पैकिंग से दस्याब है। पराठा ठाईंदा हलवा ठाईंदा मिठो ठाईंदा जर्दो वगैरह, तो बनस्पति घी इस्तेमाल कंदा आयो। अज में ठाया पो जर्दो मुतंजन जर्दो जो रंगीन जर्दो हों फरमाइश मचाया पो पूरी क्या तुझे तो वह ठाईंदी अध किलो के हिसाब से रेसिपी ठहंदी। का शे में समझ न अचे कॉल कर पुछी सो तो 12 वगे सुबह जो रिपीट हों कुकिंग विद शेफ फैसल मुझे पेज है फेसबुक से उतने रेसिपी सब अपलोड क्या पे मैसेज रिप्लाय भी उतने क्या रात के टाइम अक्सर पेज यूज कह सभी जहाँ रिप्लाई कह का शे पुछनी होंगी तो उतने पुछी सो तो 12 लाइव स्क्रीन पर नंबर हल्द कॉल कर पुछी सो। तो आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं ईवा कुकिंग ऑयल के साथ, मैं आज इस्तेमाल करूँगा ईवा बनस्पति घी। बहुत ही बेहतरीन बनस्पति घी है, कोलेस्ट्रॉल लो कोलेस्ट्रॉल है इसमें और आपके हार्ट डिजीज़ के लिए तमाम बेहतरीन है। काफ़ी चीज़ें आप इसमें बना सकते हैं, मीठे बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं और इसके अलावा जर्दा जैसे आज मैं बना रहा हूँ बनस्पति घी के साथ मुतंजन जर्दा जिनकी फरमाइश थी। नोट कीजिएगा सुबह 12 बजे रिपीट चलता है कुकिंग विद शेफ फैसल, मेरा पेज है फेसबुक पे, वहाँ पे लाइक करें और वहाँ कोई भी रेसिपी देखनी आप देख सकती हैं। और इसके अलावा स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, कॉल करके आप पूछ सकती हैं। तो जर्दे की तैयारी क्यों था, जर्दो अध किले के हिसाब से ठाया पो है, रंगीन जर्दो है ठीक है, एक होंद जर्दे के कलर से गुड जो जर्दो ठाबो है सादो वो भी ठहंदो है, उनके तरीकेकार भी सेम है, क्वांटिटी भी सेम है, छा है सिर्फ चावरन में जर्दे जो रंग मिलाए उनके पीलो कहो वेंदो है, बाकी जेके इनके अंदर लवाजमात वेंदा जो मेवो जेके शयों में विझबो है सेम क्वांटिटी में सेम तरीके से ठहंदा ठीक है। जर्दा एक मुतंजन बनता है, रंगीन जर्दा होता है, एक बिल्कुल वाइट जर्दा बनता है ठीक है, उसमें कलर्स नहीं डाले जाते। एक होता है जर्दा जो हम येलो कलर का अक्सर जर्दा जो कॉमन है ट्रेडिशनल वो येलो कलर का होता है, तो उसको भी सेम मेथड से बनाया जाता है, सेम क्वांटिटी उसमें यूज़ होती है, हर उसमें लवाजमात मीठा दूध की क्वांटिटी पानी की सब इक्वल होती है। आधा किलो का बना रहा हूँ, अगर एक किलो बनाते हैं तो ये आधा किलो भी आपके 10 से 12 अफराद खाते हैं, क्योंकि ज़र्दा कम क्वांटिटी में खाया जाता है, हेवी होता है। जिससे हम बिरयानी एक किलो बनाते हैं तो 6 अफराद के लिए होती है, आधा किलो बनाते हैं तो 4 अफराद के लिए होती है ठीक है, 4 से 5 अफराद, एक किलो में 8 अफराद तक खा जाते हैं। तो इस तरह जर्दे की क्वांटिटी हमेशा हाफ बनाई जाती है, आधा किलो बनाएंगी तो 10 अफराद के लिए काफ़ी होता है, मीठा बहुत ज़्यादा होता है, हैवी होता है, तो इसलिए तो आधा किलो बना रहा हूँ। आपने जब एक किलो बनाना होगा तो जितनी मैं इसमें लवाजमात डाल रहा हूँ, घी की क्वांटिटी, दूध की क्वांटिटी, चीनी की, पानी की, हर चीज़ आपने मेजरमेंट बिल्कुल इक्वल करके डबल करनी है। उसमें भी आपने मेजरमेंट से बनाना, अगर दूध की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है उसमें भी चावल बैठ जाते हैं, अगर चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है उसमें चावल हार्ड हो जाते हैं, हर चीज़ का लेवल रख के आप जर्दा इसलिए अच्छा बनाया जाता है कि उसका लेवल अच्छा हो। अगर जर्दे में आप चीज़ें पेलना शुरू करते हैं, हर चीज़ बस डालना शुरू करते हैं अपने हिसाब से, कभी भी अच्छा नहीं बनता, वो बिल्कुल ऑयली सा हो जाता है ठीक है। तो 1/2 kg का है ये, मैं बनाऊंगा मुतंजन जर्दा ठीक है, 1/2 kg जो ठाई हुआ मुतंजन जर्दो। इतने पानी मुँह बॉयल किया, तकरीबन 3 खां 4 जग पानी बॉयल कह ठीक है, इनमें कुछ भी ना वो, इनमें सिर्फ सेला चावर यूज़ थन्दा, जर्दे में सेला चावर यूज़ कर, या तो बासमती सुठा चावर जो 180-170 रुपये किलो वा हूँ उठा ठहंदा, अगर 120-140 रुपये तीन जो चावर अगर यूज़ करता, नॉर्मल पुलाव वगैरह में तो अस यूज़ कर सकूँ था, लेकिन जर्दे में हमेशा सेला चावर यूज़ थन्दा, खुशबू जायको सब उनका ही है ठीक है। ऐं अगर तुम बनस्पति चावर यूज़ कर पे बासमती चावर, सॉरी बनस्पति चावर, बासमती चावर यूज़ किया तो 170-180-190 वाला यूज़ कजो, उनका जर्दो सुठो ठहंदो। सेला चावर घट में घट 1.5-2 कलाक पिसाइबो, न तो 3-4 कलाक पिसाइबो। जर्दे जो चावर जो सेला चावर होंगे उनकी क्वालिटी भी होंगी है, 160-170 वारा या घट में घट 150 वारा यूज़ कहता, जो 110-120 रुपये जो सेला चावर मिलता है वह मोटा चावर होंगे, पिसाइण का टुटी पवंदा ना, मोटा सूजी वा चावर, उनको जायको सुठो न तो हो, ही सुठी क्वालिटी जा चावर तुम यूज़ कर ठीक है। डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, सेला चावल में भी क्वालिटी आती है, सेला चावल आप यूज़ करेंगे
तो सिला चावल आप जब यूज़ करेंगे तो अच्छी क्वालिटी की यूज़ करें, कम से कम 150, ज़्यादा से ज़्यादा 180 तक जो चावल मिलते हैं वो लें। 110, 115, 120 वाले सिला चावल मिलते हैं वो अच्छे नहीं होते, वो फूल जाते हैं और टूट जाते हैं। ये चावल भिगोने की टाइमिंग क्या होती है कि आप इसको 2 घंटे कम से कम भिगोएं, वरना 4 घंटे भिगोएं, जितना ज़्यादा भिगोते चावल अच्छा होता है। पानी यहाँ पे 4 जग बॉयल हुआ है, ठीक है। चावल हमारे तकरीबन 1.5 घंटा भिगोए हुए हैं, पहले से भिगो के रखे हुए थे। इसको पानी ड्रेन करें इसका, ठीक है। पानी जो फिटो करें और इनके असा फुल डन बॉयल कंदासी, 10 मिंट 7 मिंट ना कंदासी, एक कणी ना कंदासी, पूरा फुल बॉयल थींदा। जी कॉल वठो दा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, की अदा ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। नम छा हालें ता जा? जी हां दा बिल्कुल ठीक है। अदा टाइम ठीक है? दुआओं ता जो ज्यादा मिठो के खायो टाइम जर दो। जी हां बिल्कुल अदा। जी अदा टाइम पूरी थी या सलाम है अदा, ये टाइम तो नेक्स्ट टाइम टेरो लजाने जो अगवा बुदाइंदे छाशे बुदाइंदम लजानिया जो ता चा अगवा बुदाइंदे लजानिया में ठाए सिखारा तो ना ता के हनी वीक में ठायो ता आदम गगवा थोरो बुदाइ दे जे सा मतलब पी रेडी रही छापे छो अदा मुचो के ता संग थोरो गड दे जे सा बी रेडी रही समझे ना पेशे बी है बी है हां हां बी छा कर रहे हैं जी बी एन जो छापे छो आ जा भाई जे ता मतलब अगवा थोरो बुदाइ दे जे सा बी रेडी रही से मतलब दिसि सकूं वो। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं इंशाल्लाह देखो संडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन ठाइंदम, ठीक है। एक नहीं मेरी सुबह ही बुदाइ चंदम दा जी हां बिल्कुल नहीं था पूरी टीम दे सलाम दे या दा मिसो ट्रैक ना बता बताइंदे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है थैंक यू अल्लाह हाफिज। अच्छा चावल को हमने कितना बॉईल करना है? फुल बॉईल होंगे ये चावल ताकि अच्छे से बॉईल हो जाएं। आधा किलो की क्वांटिटी में हम घी कितना डालेंगे इसमें? 1/4 कप, ठीक है। 1/4 कप आधा किलो चावल में 1/4 कप घी विंदो, बनस्पति घी या मोट ईवा बनस्पति घी, दबे में असा वट होता है, इन करे में प्याले में कटराई छोड़ो है, जब पाउच भी मिलंदा है 1 किलो वाला, जिया लीटर वाली थैली मिलंदी है ऑयल जी, इन तरीके से 1 किलो जो घी जो पैकेट भी मिली विंदो ईवा बनस्पति घी, ठीक है, वो वटी सको था। इतने मोट 10 पैक में हो जो इतने रखल हों दबो तो उनमें कटराई छोड़ो है, तो इनमें 1/4 कप असा विझंदा सी ईवा बनस्पति घी, लो कोलेस्ट्रोल आए बेहतरीन घी आए, इनका मसलो न तो थे आराम से मिठा ठाओ, कुछ भी मिठी शे ठाणी है जर्दो ठाणो है तो ईवा बनस्पति घी जो इस्तेमाल करो, ठीक है। ईवा बनस्पति घी मैंने 1/4 कप लिया। चीनी हम आधा किलो लेंगे, आधा किलो चावल में हमेशा आधा किलो चीनी होती है, 3 पाव ना डालें 1.5 पाव ना डालें, 1 किलो जर्दा बना लें तो 1 किलो चीनी जाएगी, आधा किलो चीनी लिए। जी कॉल बटू था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, चाल है था खुश हो? बिल्कुल ठीक ठाक। अदी कह रहे हैं कि था गलाओ प्या? अदा मैं कमल जेक मत खां दी गलाया जी। अदी कुछ चैन चाहिए दो जी? अदा मैं तो आनी प्रोग्राम डाटो वन दो आए मेहरबानी तमाम घणी, पर हाँ ने माँ जर्दो पचा दिसां भाई लाइट हली गई। ओ 12 वगे रिपीट हलन दो लाइट जी टाइमिंग ता जी यही है जिकल विंदी लोड शेडिंग टाइमिंग? हाँ जी सुबह जो भी यही टाइमिंग होती है। अच्छा पेज ते ता नहीं सको था या यूट्यूब अगर घर में यूज कंदो आ को यूट्यूब ते सजा प्रोग्राम मुंजा अपलोड हुंदा है? अच्छा हां यूट्यूब ते रिसीव जो कुकिंग विद फैसल आहे वो सर्च कयो या सिंध टीवी एचडी कुकिंग शो सर्च कंदो ता सजा प्रीवियस प्रोग्राम लास्ट वीक जा भी अपलोड थेलन होते। बेदा मगे सवाल जो पूछणो हो जी? बिल्कुल पूछो। तमा कोई वारन के बारे में पूछणो हो? मुया वार डाटा लन ता उनके बारे में पूछो। अदी मां ऑयल ठाइन सिखारियो वारन ला, शायद ता डठो ना होदो, मां ता के वर्बली बुदाई तो छडा, बेहतरीन ऑयल है, अगर ता कंटिन्यू यूज कंदो 3-4 महीने में ता जो रिजल्ट मिलंदो जी। अगर तमा हाणी बुदाई छ तो तां मेहरबानी थी। हां हते ही ता के फोन ते बुदाई तो छडा, छकण ता लाइट जो मसलो है, आधा किलो जे हिसाब से बुदाई तो आधा लीटर सरे जो ऑयल खणी वटो, ठीक है, शीशे की बोतल में उनके भरे छोड़ो, मेथी दाना जो होंगे उड़बे या बीज होंगे मेथी जो दाना वो 8 खाने जा चमचा 8 टेबल स्पून खड़ो, ठीक है, उनके तए के मथा या फ्राइंग पैन के मथा हल्को सो सेकड़ो है रोस्ट करो है सड़े ना खुशबू अचान लगे, हल्को रोस्ट करने का थदो कर उखरी मोरी में उनके अद कुटियल होंगे ना ये कर छो जो वो टूटी पे पाउडर ना डालो, अद कुटियल कुटे उनके ऑयल में भरे छोड़ो बोतल में आई उस समय रखी छोड़ो डेली उनके 2-3 दफा ता हिलाई दो, ठीक है, उस तेज उस जगह ते छित ते कोठे ते रखी छोड़ो आई उनके 8-10 दिन ताई डेली ता हिलाई दो, 10 दिन का पो ता इस्तेमाल कयो, सजो डी उनके लगाए रखो चंगी तरह जो मसाज करन का पो वार बधी छोड़ो टाइट, ठीक है, बे डी ता शैम्पू कयो कोई भी सुठे शैम्पू एंड कंडीशनर ता यूज कयो पंजो वो वठो हेयर फॉल वालो आई ही ता हफ्ते में 3 दफा यो कंदो प्रोसेस ता 3-4 महीने जी ऑयल खत्म थी वने उनी ऑयल उनी बोतल में बियो ता मेथी दाणो आई ऑयल विझे जो जेका पहरी जा दाणा इन वो भली पिया होजन। अच्छा
अच्छा इन तरीके से तां कंदा रहंदो तां पो इंशाल्लाह डिसो 3 का 4 महीने में मके बुधाय जो तां जो रिजल्ट इलाही सुठो इंदो ठीक है दादा ये वेरी वेरी मेहरबानी थैंक यू पंजो ख्याल रखो अल्लाह हाफिज ये ऑयल तमाम बेहतरीन है मुझे घर में हले तो आई असई फैमिली में भी आए तमाम बेहतरीन जो ऑयल तक ठाण सिखा मुझे पेज से भी तक मिली वो अगर न समझ अचे तो मुझे मैसेज कर सोता पेज से इतने बटे दफ़ा सिखारो इनका बमों वा जो वार हूँ टुटंदा वो खत्म थींदा वारन में शाइनिंग इंदी ग्रोथ वधंदी टे महीनन में तक लगन डेढ़ का ब इंच तुझा वार वधी वेंदा आई बमों वा वार खत्म थींदा शाइनिंग इंदी वार रुखा हूँ खुश्की न थींदी तमाम बेहतरीन ही है आई जेका वार हल्का हुंदा आहिनि वो घाटा थींदा आई जे बार इन स्कूल में गर्ल्स आहिनि नंढियूं ॿारणियूं आहिनि टे साल ॿ साल खां पोइ हुननि खे इन जो हल्को हल्को मसाज कंदा कयो साल खां पोइ जंहिंसां ऑयलिंग कंदा आहियूं ॿार खे ज़रूरु हफ़्ते में ॿ टे दफ़ा करी पोइ शाम जो शैम्पू कराए छॾियो या ॿिए ॾींहुं या राति जो सुम्हंदे महिल मसाज करी जंहिं ॾींहुं स्कूल न वञे या जेके ॿार स्कूल नथा वञनि नंढा आहिनि हुननि खे बि तव्हां करे सघो था ऑयल लॻायो ऐं ॿिए ॾींहुं खे शैम्पू कराए छॾियो ज़बरदस्त रिज़ल्ट आहे मुंहिंजो नंढिड़ो ईंदो आहे हुनखे बि काफ़ी दफ़ा लॻायो हुनजा वार ॾाढा सिल्की ऐं ज़बरदस्त आहिनि इन तरीके से तुम कंदो ढो सुठो ऑयल है। अच्छा यहाँ पे चावल हमारे हो गए हैं बॉयल, ठीक है। आपने चावल को ये बिल्कुल अच्छी तरह बॉयल हो जाना चाहिए और टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ये हो गया है 10 मिनट आपने इसको बॉयल करना है, उसके बाद हम इसको निकाल देंगे, ठीक है। ऑयल का मैंने बताया, अभी ये कॉलर आई थी तो ऑयल मैंने बनाया था, यहाँ पे बनाना सिखाया था, आपको भी बता देता हूँ। सरसों का ऑयल ले लें हाफ लीटर, उसको शीशे के जार में या बोतल में भर दें। 8 खाने के चम्मच मेथी दाना तवे के ऊपर रोस्ट करें, ठंडा करके उसको कूटें अच्छी तरह इमाम दस्ते में कूट के मोटा मोटा, फिर उसको आपने बोतल में भर देना है। 10-12 दिन धूप में रखें, तेज़ धूप में 24 घंटे पड़ा रहे, उसको हिलाते रहें 3-4 दफ़ा दिन में, ठीक है। हिलाते रहें फिर वो ऑयल आप यूज़ करें, मसाज करके बच्चों को भी लगाएं खुद भी लगाएं, वो ग्रोथ होती है बालों की बहुत ज़्यादा। दो मुँह वाले बाल हैं, ड्राई है बाल, जैसे टूट रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, टूटने लगते हैं वो प्रेगनेंसी के बाद भी अक्सर ख्वातीन के बाल गिर रहे होते हैं, तो वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। 3 से 4 महीने में इसका रिज़ल्ट आता है, शाइनिंग बहुत आती है। यहाँ पे ऑयल हमारा पानी हो गया बॉयल, चावल निकालते हैं। ईवा कुकिंग ऑयल बेहतरीन कुकिंग ऑयल हर जगह अवेलेबल है, इनमें नई पैकिंग में दस्तियाब है। ओमेगा 3 इनमें मौजूद है, विटामिन ए एंड डी का भरपूर, कोलेस्ट्रोल ला तमाम बेहतरीन है, हार्ट डिजीज़ के तांजे हुन ला बेहतरीन है, जॉइंट्स पेन ला तांजे तमाम सुठो है। तां वठो इनमें मिठा ठायो, डिफरेंट किस्म जा खाधा ठायो, खुशबू तमाम सुठी है। ये पैकिंग तां ॾिसो पिया, खास कर ही लीटर वारी इनमें पाउच मिलंदा आहिनि, ढक हूंदो आहे मथां खां जेतिरो तव्हांखे यूज़ करिणो आहे ऐं हुनखे तव्हां यूज़ करे रखी सघो था। बोतल आहिनि दॿे में आहे त ईज़ीली तव्हांखे मिलंदो आहे। चांवर असांजा बॉयल थी विया आहिनि, फुल बॉयल करना आहिनि चावल को, पानी निकाल दें, ठीक है। सेला चावल 10 से 12 मिनट में बॉयल करें, लेकिन अच्छा भीगा होना चाहिए। चंगी तरह पिसाइण खां पोइ अधु किलो जो ज़रदो ठाहियूं पिया, ठीकु आहे, किलो में ठाहियो त पोइ डबल करे वठिजो। अच्छा हीअ रंगीन ज़रदो आहे त चांवरनि जो ॿुधाए छॾां, पीलो वारो ज़रदो जॾहिं असां ठाहींदा आहियूं त हे 4 जग पानी खणंदो, हुन में 2 खाइण जा चमचा भरे विझंदो ज़रदे जो रंग, ठीकु आहे, 2 खाइण जा चमचा विझंदो भरे ज़रदे जो रंग, पाणी पीलो थी वेंदो, हुन में पोइ चांवर तव्हां बॉयल कंदो त चांवरनि में कलर अची वेंदो, पोइ उहो ज़रदे वारा चांवर जेका पीला हूंदा आहिनि पीलो ज़रदो ठहंदो, ठीकु आहे। मां वाइट कलर में रखां पियो, हुन में कलर्स विझंदासीं ॻाढ़ो साओ पीलो, उहो डिफरेंट तरीक़े सां थोरो हुनजो कलर ॾींदासीं, ठीकु है। ज़रदा येलो वाला बि इसी तरह बनता है, सिर्फ़ क्या है कि चावल आपने भिगोना है, पानी जब आप 3 से 4 जग बॉयल करेंगे तो उसमें आपने ज़रदे का रंग 2 खाने के चम्मच डाल देना है, येलो फूड कलर, ठीक है। वो येलो फूड कलर डालने के बाद आपने पानी को बॉयल करना है, 2 मिनट बाद आपने चावल डाल के बॉयल करेंगे तो चावल का कलर येलो हो जाएगा, बाकी इसका मेथड जो है वो सेम है बनाने का, ठीक है। ये हो गए हमारे चावल तैयार, और अब हम क्या करेंगे, ज़रदे की तैयारी करते हैं। पतीलो खाऊं था, इनमें विझंदासीं ईवा वनस्पति, पाणी थोरो ड्राई था करे वठूं, जॾहिं बि ऑयल या घी इस्तेमालु कंदा आहियूं त पाणी या त तेज़ चुल्हे ते पुश करे वठंदा कयो या त पोइ टिशू सां साफ़ करे वठंदा, पोइ पाणी न हुजणु खपे ऑयल सां गॾु, ठीकु आहे। फेस ते बि ईंदा आहिनि कुझु हंडाइनि जा। अच्छी तरह गरम होगा, इसमें हम 1/4 कप पौना कप हम डालेंगे ईवा वनस्पति घी, ठीक है। 1/4 कप हम डालेंगे ईवा वनस्पति घी, अंदाजे से डाल रहा हूँ, आप लोग पूरा मेजरमेंट करके डालिएगा कि घी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 4-5 टेबल स्पून भर के डाल रहा हूँ, ठीक है। अगर मेल्टेड है तो फिर 6-7 टेबल स्पून जाएगा, लेकिन जब ये जमा हुआ होता है तो वो 5 टेबल स्पून मेल्ट होकर फैल जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर जमियल आए खीर मुनो कप खण जो, अगर न तो पो 5-6 खण जा चमचा भरे खण जो, फुल भरियल हो जाए मथे ताई, अगर पिघरियल है घी तो 8 खाने का चमचा कर सजो,
ठीक है क्वांटिटी में चेक किया तो हाँ ठीक है थोड़ा में बेविंदो एक टेबल स्पून मुन्नो कप ठही वेंदो ठीक है ईवा बनस्पति घी लो कोलेस्ट्रोल है इनमें ये असो थी मुन्नो कप ईवा बनस्पति घी बिल्कुल घट भी ना हो कि तक चावर वो ड्राई ना थन अब हम क्या डालेंगे लौंग इसमें चार अदद लौंग डालेंगे चार अदद लौंग ठीक है गरम मसाले में जो हूँ नंढा फोटा विजासी बारह का पंद्रह अदद तोड़े थोड़ो ताकि जो मुँह खुली वने या उखरी मोरी में थोड़ो कुटे विझिजो ठीक है बड़ी इलायची सॉरी छोटी इलायची तोड़ के डालनी है बारह से पंद्रह अदद डालें इससे खुशबू आती है तोड़ के डालने से क्या होता है इसका बीज जो है अंदर का वो खुशबू देता है वरना ये बिल्कुल फिर ऐसी पक जाएंगी लेकिन अंदर से इसका सीड नहीं निकलेगा खुशबू नहीं आएगी अरोमा आना चाहिए इसका ठीक है छोटी इलायची अब इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ऐसे लग रहा है खालिस घी की तरह बिल्कुल ईवा बनस्पति घी बेहतरीन बनस्पति घी है गरम किया ठीक है पंद्रह अदद मैंने छोटी इलायची डाल दी तोड़ के इस तरह ये थी वो हाँ कंदी अद किलो खंड इतने खीर केतरो है मोट एक पा ठीक है कड़ियल खीर हुजन खपे कच्चो खीर ना हो आधा किलो चीनी एक पाव दूध जी कॉल वठूँ था अस्सलाम वालेकुम दोनों को एक साथ डालना है घी चीनी में चीनी घी में फौरन जाएगी तो हार्ड हो जाएगी तो दूध के साथ दोनों मिला के डाल दें आधा किलो चीनी और एक पाव दूध अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी अदा फरमाइश कई हुई पूरी कौन गई बुधाए जो फरमाइश कड़ी है तीन रसगुल्ला रसगुल्ला दादी ठाया हुआ ना विच में लास्ट मंथ कितने तहां का शायद मिस हो एक डेढ़ महीनो पहरी में ठाया हुआ बहुत पहले फरमाइश कई हुई अच्छा मैं भी दोबारा रसगुल्ले गुलाब जामुन रसगुल्ला ठीक है नेक्स्ट वीक वरी ठाई तो दिया तांके ठीक है अच्छा आई अगर तांके फौरन खपन त मुझे पेज ता रिसीव वटो ते वीडियो मिली विंदी हेलो ठीक है ते लाइव ठाई वठंदा सी ठीक है ओके थैंक यू अल्लाह हाफिज चीनी और दूध को साथ डालना है ठीक है अगर चीनी हम डायरेक्ट डालेंगे घी में गर्म घी या ऑयल में डालते हार्ड हो जाती है चीनी को ठीक है इसलिए हमने साथ डालना है ताकि दूध के साथ वो मेल्ट हो जाए और पकना शुरू हो जाए इसमें बॉइलिंग आएगी ठीक है इनमें कड़ी बॉइलिंग इंदी पानी बिल्कुल इस्तेमाल ना थींदो आहे इनमें ठीक है चांवरन में जॾहिं जर्दे में अक्सर माण्हू पानी विझी छॾंदा आहिनि जर्दे जे चांवर में उहो न विझणु खपे उनखां छा थींदो आहे पाणी विझण खां जर्दो हार्ड थी वेंदो आहे ऐं कॾहिं कॾहिं छा थींदो आहे की नरम थी वेंदो आहे बैलेंस जेको हूंदो आहे उहो आउट थी वेंदो आहे ठीकु आहे ऐं अशरफियूं मिलंदियूं आहिनि हे छा आहे कद्दू जेको पेठो हूंदो आहे हुन खां ई ठहींदा आहिनि या लौकी वारा जेका असां कद्दू यूज़ कंदा आहियूं हुन मां बि ठहंदा आहिनि हिनखे कलर ॾेई हिनखे खंड में बॉइल कबो इहो त तव्हां कोन ठाही सघंदो इनमें साओ ऐं ॻाढ़ो कलर ॾिबो आहे नंढा नंढा क्यूब्स कबा आहिनि खंड में शीरे में हिनखे पचाइबो आहे पोइ ई सफ़ा अहिड़ा मिठा ठही वेंदा आहिनि तमामु बहितरीन जेको असां ज़रदे लाइ यूज़ कंदा आहियूं हर जॻह मिली वेंदा आहिनि ठीकु आहे अगरि हे न मिलनि त हिन जो बि तरीक़ो मां तव्हांखे ॿुधाए थो छॾां ठीकु आहे हिन जो छा तरीक़ो आहे की कद्दू वठंदो लंबो वारी लौकी या गोल वारी वठी वठो या नंढा नंढा क्यूब्स करे छॾो हिकु किलो त इलाही थी वेंदा अधु किलो खणिजो ठीकु आहे हुन जा ॿ पोर्शन करे वठिजो ॿ पोर्शन करे ॿ ॿ कप खंडु ऐं हिकु ॿ कप खंडु हिकु कप पाणी जो शीरो जीअं चाश ठाहिण लाइ विझंदा आहियूं उहो जीअं हुन चाश ठहण लॻे त हीअ लौकी ऐं ज़रदे जो रंग सॉरी ॻाढ़ो रंग या साओ रंग विझी हुन में अधु चांहि जे चमची जेतिरो हुनखे मिक्स कंदो पोइ हिनखे विझी हल्की बाहि ते छॾी वठिजो हीउ पचंदो रहंदो हीउ मिठो थी वेंदो घाटो थी वेंदो शीरो सफ़ा खुश्क थी वेंदो पोइ हिनखे थधो करे वठिजो त हिन तरीक़े सां थींदो हिते ॾिसो हिन में जाग ठहे पई ठीकु आहे हीअ जाग बन रही होती है इस तरह चीनी और दूध आपस में मिल के इस तरह चीनी को मेल्ट करके इसमें बॉइलिंग आती तो ये वाइट सी जाग बनेगी जैसे दूध में होती है ठीक है जब इसमें जाग बनेगी स्पून हिलाएंगे तो आपको क्रंचीपन फील नहीं होगा इसमें ठीक है इनमें खंड जी चमचे से ही हलाने से आवाज़ इंदी है खंड जी वो फील ना थींदी जो मतलब है खंड ताजी इनके अंदर मेल्ट थी वही है ठीक है जी दीजिए फरमाइश हुई बटे फरमाइश हुई मुझे बटे दफ़ा कॉल आई हूँ हैदराबाद से आपने मुझे कहा था और कहीं एक सिटी और से कहा था कि जरदा मुतंजन बनाना सिखाएं एक कराची से ही कॉलर ने कहा था तो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग ये रेसिपीज़ अपनी नोट कर लें अच्छी तरह इसमें बॉयलिंग आएगी खुशबू आने लगे हम इसमें क्या करेंगे हम इसमें डाल देंगे बॉयल किए हुए राइस आधा किलो बॉयल किए हुए सेला चावल गर्म ही होने चाहिए ठंडे नहीं डालिएगा ठीक है चावल विझण का पोइ इनके कंदासीं मिक्स हल्की बाहि ते फुल चूल्हो ना हुजे ठीक है हल्की आंच पे आपने इसको मिक्स करना है चूल्हा फुल नहीं होना चाहिए अब ये मिक्स होगा पहले तो आपको ये लगेगा बहुत सॉफ्ट सा लगेगा
ठीक है। उसके बाद ये आपको लगेगा कि ऐसा कि शीरा सा बन गया है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये जब ड्राई फॉर्म में आएगा, ये खुद ही खुश्क होगा, दम पे आएगा तो ये चावल खुद ही निखर के बाहर आ जाएंगे। अभी आपको ये सॉफ्ट लगेगा, ठीक है। ये चावर थी व्या इनके अंदर अहिन के हाँ थोड़ी देर पचाईंदी, कवर न है करणो। मेहनत सा पचंदो आए, मज़ेदार पचंदो आए, दिलचस्पी से ठाई तो सुठो ठो, जल्दबाजी में ठाई तो जरदो हमेशा खराब थी वो मांग का। हाँ इनके चमचो हिलाईदा रहो, फुल बाहे करी वो। अब हम फुल चूल्हा करेंगे ताकि इसका जो शीरे का पानी है वो बिल्कुल ड्राई होने लगे। जब ये बिल्कुल ड्राई होने लगेगा शीरे का पानी, तो फिर हम इसमें क्या डालेंगे, हम इसमें जितने लवाजमात हैं, जिसमें बादाम जाएगा हाफ कप जितना, किशमिश डंडियाँ हटा के पानी से धो के वो एक कप डाल दें, कटा हुआ नारियल चॉप किया हुआ ही दिखा जो, ये चॉप किया हुआ नारियल है, इस तरह ड्राई नारियल मिल जाता है कटा हुआ, ये एक कप जाएगा, अशरफी आधा पाव लाल आधा पाव हरी ये जाएगी, ठीक है। उसके साथ येलो फूड कलर, ग्रीन फूड कलर और रेड फूड कलर, ये फिर हम ड्रॉपिंग में डालेंगे, बताऊँगा किस तरह डालना है। और केवड़ा वाटर इसमें 2 टेबल स्पून जाएगा, फीका खोया 1 कप जितना ये मेरे पास पड़ा हुआ है, फीका खोया नहीं है तो कलाकंद ले लें, कलाकंद फीकी होती है, वो 3 से 4 पीस आप उसमें डाल दें, ठीक है। आधा किलो में 1 कप जितना खोया बहुत होता है, आधा किलो में बस ऊपर से वो डाला जाता है, देग में भी आप देखते हैं तो खोए की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, इतनी होती कि मिक्स हो जाए और अच्छी लगे जी। कॉल बटन था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फैसल भाई कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। फैसल भाई आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है। हेलो जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल भाई मेरी रेसिपी मैंने फरमाइश की थी जी, शायद मैंने पूरी नहीं की है। नहीं, बीफ कबाब। अच्छा बता दें कौन सी है? बीफ कबाब। बीफ कबाब तो मैंने अभी तो बनाया लास्ट वीक। मुझे तो मिस हो गया फैसल भाई, मैं तो बना चुका हूँ, मैंने कहा भी था जिनकी फरमाइश है प्लीज नोट कर दें, लास्ट वीक मैंने बनाए। नहीं मैं फैसल भाई मैं घर से बाहर थी, मैंने नहीं देखा। बस अब मैंने तो बना दिए हैं और आप पेज पे देख लें, वो रिपीट भी चला था और इसकी यूट्यूब पे वीडियो भी आपको मिल जाएगी। चलो थैंक यू सो मच फैसल भाई। ओके जी, थैंक यू अल्लाह हाफिज़। ठीक है, इनमें बॉइलिंग अच्छे पई अना, इनमें ही जड़े पानी जो खुश्क थे लगन तो बबल्स ठन पिया, हाँ इनमें छाछा सा विझंदा सी अद पाक थोड़ो मथे 1 कप जितो फिको माओ तो हर जगह मिली दो ना, तो कलाकंद मिठाई वाली वी वो फीकी होंगी है वो वी विझी सो ब 2 टे पीस वा खी वो, ठीक है। डूंगी कटियल डूंगी पीठल ना विझो, या 1 कप जितनी मुनो कप वी इन क्वांटिटी में किशमिश पानी में पिसा उन डंडी हटाए निपूड़े वो विझी छो, बदाम 1/2 कप विंदा जी, सावा साए कलर में विंदी अशरफियों, गाढ़े कलर में विंदी जर्दे जहाँ 3 रंग जो पीलो गाढ़ो साओ केवड़ा वाटर विंदो। ब्रेक वठूँ था, शॉर्ट ब्रेक का पहुंची जैसे ही चावर ड्राई थे वठूँ थे शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक का पहुंचे रेसिपी कंटिन्यू करना से। नाज़िम ब्रेक करने का पे ही था सामू जो जर्दो टाइप हो ईवा बनस्पति घी सा विटामिन ए डी का भरपूर कोलेस्ट्रॉल के कंदो आ कंट्रोल लो कोलेस्ट्रॉल बनस्पति घी है हर जगह अवेलेबल है उनका कुकिंग ऑयल जो इन सनफ्लावर कुकिंग ऑयल कनोला कुकिंग ऑयल सनफ्लावर कुकिंग ऑयल तुझे वारन ला तुझे अखिन ला तमाम बेहतरीन है जो ईवा कुकिंग ऑयल जो है कनोला कुकिंग ऑयल वो Omega-3 मौजूद है तमाम बेहतरीन यो कुकिंग ऑयल 0 कोलेस्ट्रॉल है इनमें इनमें तुम खाधा ठा तमाम मिठा ठाओ तमाम सुठा ठादा हाँ जो जर्दो ठाया पो इनके मु कवर कर छोड़ो थोड़ा चूल्हो तेज़ कर ताकि इनके शीरे जो जो पानी है वो ड्राई थी वने, ठीक है। मैंने कवर कर दिया था इसका पानी, जब ये ड्राई होने लगेगा अभी आप देखेंगे इसको, अब मैंने कवर करके रखा था थोड़ा, अब इसका ये जब पानी आप देखेंगे खुद ही शीरे में जो पानी आता है वो ड्राई होना लग जाता है, ठीक है। जब ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आने लगेगा फिर हम इसमें चीज़ें डालना शुरू करेंगे जिसमें अशरफियाँ और ये सब चीज़ें, बादाम हम कट करना शुरू कर देते हैं, बादाम 1/2 कप जितना कटिंग करे वो, ठीक है, लंबाई में इन तरीके से पिस्तो भी विझी सको था काजू भी विझी सको था लेकिन बादाम काफ़ी इन छाकर था इनमें काफ़ी सारी शयूँ एक्स्ट्रा बनन पाई, ठीक है।
सुभाणे इंशाल्लाह ही रिवीक आहे, सुभाणे ही सभु रेसिपीज़ जो कबाब पराठा सॉरी पराठा ठाहींदासीं, बूटीन वारा जेके पराठा रोल आहिनि उहो ठाहिणा आहिनि, ऐं हुन सां गॾु को हिकिड़ी रेसिपी ठाहींदासीं। अनार जो जूस तव्हांखे ठाहे सघंदमि ॾाढू जो, उहो बि तमामु सुठो, हाणे सीज़न बि आयो आहे। अंगूर जो जूस आहे, अंगूर जो सीज़न आहे, त इहे ड्रिंक्स बि ठाहींदासीं गॾु ताकी गर्मियूं आहिनि, तव्हां इहे ड्रिंक्स इंजॉय करे सघो। पोइ नेक्स्ट मंथ खां इनशाला सियारे जा खाधा स्टार्ट कंदासीं, जंहिंमें सूप्स आहिनि, काफ़ी सारी चाइनीज़ खाधा आहिनि, डिफरेंट रेसिपीज़ आहिनि। अभी बिल्कुल जब आप देखेंगे ड्राई फॉर्म में आने लगेगा ज़रदा, इसका जब आपको अंदाज़ा होगा कि इसका पानी ड्राई हो रहा है, फिर हम क्या करेंगे इसमें सब चीज़ें चॉप करके डालेंगे। यहाँ पे बादाम को जूलियन कटिंग करके मैं डालूँगा इसमें, ठीक है, इन तरीके से। बादाम ना है तो तहाँ ज़रूरी ना है कि सादो भी ठाई सको था, सिर्फ किशमिश आई डूंगी विझी, ठीक है, जेका शइ तव्हां वटि अवेलेबल हुजे, लेकिन ओरिजिनल जेका रेसिपी आहे। अच्छा, लब्बे शीरी भी हिन वीक में ठाहींदासीं, लब्बे शीरी जी काफ़ी फरमाइश हुई, वो शादियुनि वारो लब्बे शीरी, ठीक है, जो आपने मुझे फरमाइश की थी, शादियों वाला लब्बे शीरी जो बनता है वो आपको मैं बनाना सिखा दूँगा, ठीक है। बादाम हो गए, अब ये पानी इसका ड्राई हो गया, ठीक है, जब आपको ये लगेगा दम पे आने लगा है तो हम क्या करेंगे इसमें करेंगे फूड कलर्स डालेंगे, हल्की आंच करके, फूड कलर में येलो फूड कलर, थोड़ा सा एक साइड पे पीलो कलर, एकड़े साइड पे ट्रे पासन में विझो गाढ़ो कलर, पाउडर फॉर्म में हुजे या लिक्विड फॉर्म में हुजे, ठीक है, एकड़े साइड पे विझंदासीं साओ कलर, एक साइड डालेंगे ग्रीन फूड कलर, ठीक है, इसको फैला दें, जो खुद ब खुद मेल्ट होके इसमें फैलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक तरफ डालेंगे किशमिश, ठीक है, एक पास से विझंदासीं डूंगी, एक तरफ डाल दिया किशमिश, एक तरफ मैंने डाल दिया नारियल, ठीक है, अशरफी बादाम, एक तरफ बादाम डाल दें इसके, इस तरह अशरफियाँ ग्रीन वाली एक तरफ डाल दें, उसके साथ रेड वाली डाल दें, ठीक है, ये हो गई। केवड़ा वाटर 2 टेबल स्पून इस तरह ऊपर से डाल दें, ठीक है, केवड़ा वाटर भी छोड़ो, बाकी सजा लवाजमात विझी सब ये मिक्स करें, साइडन में अलग अलग विझो, मिक्स ना कजो, अं दम से रखी चंदी 10-15 मिनट वो मिक्स करें, इनमें विझंदी माओ पिको कॉल वर्तम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। तो साहब बता, बिल्कुल ठीक ठाक था, बताओ छा हाल है। हाँ, अल्लाह सही शुक्र है बच्चा, तां ये जरदो खायो ता डिठो है, इंशाल्लाह सा ट्राई कंदा से, जरूर ट्राई कजो। तबीयत ठीक है ता जी? हां, तबीयत माशा अल्लाह सही है, अल्लाह सही शुक्र है जी। को फरमाइश है ता जी? हां, फरमाइश है बीट डिश केडिया ता जी? जी, बीट डिश ता जी केडिया? मुके समझ न पे जे वरी बताई जो माता ने बीट डिश दिया का, बीट डिश आज सुना एकड़ी डिश ही छाया वो कौन पे ठाया? इसको दम पे रख दिया। इसी तरह आपने सब चीजें साइड में मिक्स करके नहीं डालिएगा, अलग 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 सब डालिए, किशमिश डाल दिए, बादाम डाल दिए, नारियल डाल दिया, उसके बाद मैंने इसमें अशरफियाँ डाल दी दोनों कलर की, और केवड़ा वाटर डाल दिया। अब इसको दम पे रख दें 20 मिनट के लिए। रेसिपी पे इसकी रिपीट कराऊंगा, ठीक है, ईजी है रेसिपी। बीफ कबाब तहिर कॉल कई टाइम आया तो मैं बीफ कबाब जी रेसिपी तक, ठीक है, बीफ कबाब जी रेसिपी तक रिपीट कराया तो ठीक है। ईवा कुकिंग ऑयल विटामिन ए डी का भरपूर, कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल, तमाम बेहतरीन कुकिंग ऑयल, ओमेगा 3 में मौजूद है, बनस्पति घी भी इनजो तमाम बेहतरीन है, जिनमें हाँ जरदो ठाए पे तुम भी ठाए जो बनस्पति घी में। कबाब जी रेसिपी रिपीट कराएं पे, बीफ कबाब मैंने आपको आपने भी कॉल की आपसे शायद मिस हो गए, इसके लिए आपने ले लेना है 1/2 किलो से 3 पाव जितनी बोटियाँ छोटी छोटी करवा लें बीफ की, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच डाल के 2 से 2.5 गिलास पानी डाल के मीडियम फ्लेम पे इसको गला लें, गोश्त गल जाएगा तो पानी बिल्कुल उसका ड्राई कर लें, उसको निकाल के ठंडा करें, चॉपर में गोश्त डाल दें, 1 बड़ा प्याज चॉप करके डाल दें, ठीक है, उसके साथ उसमें हरा धनिया चॉप करके डाल दें, ठीक है, 1/2 गट्ठी जितना 2 अदद हरी मिर्चें चॉप करके डाल दें, लेमन जूस डाल दें 1 टेबल स्पून, उसके बाद आपने इसमें क्या डालना है, साबित धनिया थोड़ा सा कूट के मोटा मोटा वो इसमें 1 खाने का चम्मच डालें, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा डालें, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, ठीक है, और नमक इसमें डालेंगी 1/2 टीस्पून, थोड़ा उससे ज़्यादा हसबे ज़रूरत, गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय का चम्मच डाल के इसको ग्राइंडर में पीस लें या सिलबट्टे पे पीस लें बारीक, बिल्कुल कबाब की तरह रेशे की तरह जब पिस जाएगा उसके बाद आपने इसको प्याले में निकालना है। फिर आपने क्या डालना है इसमें, चने का जो पाउडर मिलता है जो हम डालते हैं
कोफ्तों में चने का पाउडर ले लें या चने छील के उसका पाउडर बना के वो आपने 5-6 टेबल स्पून उसमें वो डालना है। पहले थोड़ा डालें, अच्छी तरह मिक्स करें, फिर थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छी तरह बाइंडिंग के लिए, ना इसमें अंडा जाएगा ना ब्रेड स्लाइसेस गीले करके डालना है, ऐसी कोई चीज़ आपने डालनी, जस्ट आपने चनों का पाउडर डालना है, मिक्स करें अच्छी तरह, उसके बाद हाथ गीले करके इसको शेप दें कबाब के, चपली कबाब का शेप दे दें, रोल की तरह बना लें, शामी कबाब का शेप दें, लेकिन इसको आपने करना है शैलो फ्राई, डीप फ्राई नहीं करेंगे। फ्राइंग पैन में हाफ कप जितना कुकिंग ऑयल डाल के इसको शैलो फ्राई करें, दोनों कलर दोनों साइड से कलर आना चाहिए, क्योंकि इसमें कच्चापन तो होगा नहीं, गोश्त बॉयल है, चीज़ें हम वो डाल रहे हैं जिसको हमने पीसने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वो करने के बाद आपने कबाब तल के निकाल लें, इसके साथ रायता बना लें, चटनी बना लें, मज़ेदार कबाब है। चाहें तो आप इसको फ्रीज भी कर सकती हैं, फ्रीज करके रख दें, फिर जब आपने बनाने होंगे 20-15 मिनट पहले निकालें, ज़्यादा टाइम ना दें, 15 मिनट रख के फिर आप फौरन इसको जब भी निकालें एक स्ट्रेनर में छन्नी में डाल के रखा करें, ताकि वो जब डीप फ्रोज होता है इसका पानी जो ठंडक होती है, इसके ऊपर कोटिंग होती है, वो पानी इसका ड्राई निकलता है, तो वो छन्नी में रखें, फौरन 10-15 मिनट बाद उसको शैलो फ्राई करें, कबाब बीफ के तैयार हो जाते हैं, ठीक है। एक दफ़ा देखता हूँ, अभी इसको और आने दें दम पे, ठीक है। और इस तरह की रेसिपीज़ हैं, आप लोग की फरमाइशें, पिज़्ज़ा मैंने बनाना सिखा दिया है, बहुत सारी फरमाइशें पूरी कर दी हैं, इंशाल्लाह कल हम बनाएंगे पराठा रोल, ठीक है, पराठे बना के इसके साथ रोल बनाएंगे, एक ड्रिंक बनाएंगे, कोई एक साथ मीठा बनाएंगे, मैं परसों भी, और लज़ानिया इंशाल्लाह मां संडे वारे ॾींहुं ठाहींदमि, ठीक आहे, संडे वारे ॾींहुं तव्हां ॾिसजो लज़ानिया, सैटरडे वारे ॾींहुं बि हिकिड़ी रेसिपी आहे, त संडे वारे ॾींहुं इंशाल्लाह लज़ानिया ठाहींदासीं, बेक करे मां ठाहिण सेखारींदमि ओवन में, छाकाणि त पतीले में ठाहिण में ॾुखियाई थींदी आहे, मुंहिंजी जेके स्ट्रिप्स हूंदियूं आहिनि बॉयल त थी वेंदियूं, लेकिन उहो फ्लेवर न हूंदो, तव्हांखे अटे वांगुरु फील थींदो, हर शइ ठही वेंदी आहे पतीले में, लेकिन केक आहे या पिज़्ज़ा आहे त उनजो रिज़ल्ट सुठो ईंदो आहे, या बिस्किट्स आहिनि उनजो रिज़ल्ट सुठो ईंदो आहे, लेकिन लज़ानिया जो रिज़ल्ट हमेशह ओवन में सुठो ईंदो आहे, ठीकु आहे। ब्रेक जो टाइम थी पियो, काॾे ना शॉर्ट ब्रेक वठूं था, ब्रेक जे दौरान असांजो ज़रदो तयारु थींदो, पंहिंजी रेसिपी रिपीट कराईंदासीं। नाज़िम ब्रेक वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका रेसिपी ठाहियां पियो, ईवा बनस्पति घी सां गॾु वाइटामिन ए एंड डी का भरपूर लो कोलेस्ट्रोल घी आहे, तमामु बहितरीन बनस्पति घी ऐं ईवा कुकिंग ऑयल, ईवा सनफ्लावर, ईवा कुकिंग जेको कनोला कुकिंग ऑयल, ओमेगा 3 में मौजूदु आहे, जेको तव्हांजी हार्ट डिज़ीज़ लाइ, तव्हांजे जॉइंट पेन लाइ ऐं हुनजे अलावा कोलेस्ट्रोल लाइ तमामु बहितरीन आहे, हर जॻह अवेलेबल आहे नई पैकिंग में। अॼु मां जेको रेसिपी ठाहियां पियो बनस्पति घी जो इस्तेमालु कयो आहे, छाकाणि त मिठे में हमेशह बनस्पति घी ई ज़ाइको ॾींदी आहे, लुक ॾींदी आहे, ख़ुशबू ॾींदी आहे, अगरि तव्हां ऑयल में ठाहींदो कॾहिं बि उहो टेस्ट न ईंदो। पराठा ठाहींदा कयो उहो बि तव्हां बनस्पति घी में ठाहींदा कयो, ऑयल में जॾहिं पराठा ठाहींदा आहियो त हुनजो कलर ब्लैकिश टोन में ईंदो आहे, ब्राउन टोन में, ऐं जॾहिं असां बनस्पति घी में पराठा ठाहींदा आहियूं त हुनजो गोल्डन ऐं सुनहरी कलर ईंदो आहे, तमामु ख़ूबसूरत फ्राइड थींदा आहिनि। त जॾहिं पूरियूं ठहंदियूं आहिनि हुनमें बि घी जो इस्तेमालु कंदा कयो, ऑयल जो न, ऑयल खां छा थींदो ख़ुशबू नथी अचे, ऑयल खाधनि लाइ बहितरीन आहे, लेकिन मिठे लाइ पूरियूं आहिनि, पराठा आहिनि ऐं ज़रदो आहे, हलवा आहिनि, त हिन में हमेशह बनस्पति घी जो इस्तेमालु थींदो। कोरमो जेको देगी कोरमो ठहींदो आहे हुनमें बि बनस्पति घी जो इस्तेमालु थींदो आहे, बिरयानी में बि बनस्पति घी जो इस्तेमालु थींदो आहे, लेकिन काफ़ी माण्हू ऑयल में यूज़ कंदा आहिनि, त हिन करे ऑयल विझबो आहे। असल जेके ऑथेंटिक रेसिपीज़ आहिनि हुनमें हमेशह बनस्पति घी जो, ऐं पहिरीं ज़माने में बनस्पति घी ई इस्तेमालु थींदा हुआ, हे ऑयल वग़ैरह हाणे थियनि पिया, पहिरीं घी इस्तेमालु थींदो आहे, त घी नुक़सानदेह नथो हुजे, घी तमामु बहितरीनु हूंदो आहे, सुठी पैकिंग में तव्हांखे मिले पियो ईवा जी, त तव्हां इहो ज़रूरु वठो, ऐं लो कोलेस्ट्रोल आहे त हीउ तव्हांजे लाइ तमामु बहितरीनु आहे, ठीकु आहे। ज़रदे जी रेसिपी रिपीट करायां पियो, अधु किलो ज़रदो ठाहियो आहे, ठीकु आहे, सेला चांवर कंदो अधु किलो, 2-3 कलाक पिसाए रखिजो, हुनखे पोइ 4-4 जग पाणी में बॉयल कबो, लेकिन अगरि ज़रदे कलर में ठाहियो पीले कलर में त हुनमें 2 खाइण जा चमचा पीलो कलर विझी पाणी खे बॉयल करे पोइ चांवर विझी बॉयल कबा। पहिरीं कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, केरे किथां ॻाल्हायो पिया? जी मैं टंडोवत खान से बोल रही हूँ। कुछ कहना चाहेंगी आप? जी मैं आपसे फरमाइश करना चाहती हूँ। बिल्कुल कीजिए। गुलत्ती बनाना सिखा दे। गुलत्ती इसी तरह बनती है जैसे मैं ये बना रहा हूँ, ठीक सेम रेसिपी है, यही है,
बस उसमें क्या होता है, जर्दे का कलर नहीं डाला जाता, गुलाब जामुन डाले जाते हैं। जी ये रेसिपी आप सेम तरीके से बनाएं, गुलत्ती की सेम रेसिपी है, उसमें गुलाब जामुन कटिंग करके डाले जाते हैं। ठीक है जी, चलो ठीक है, चलो ठीक है, ओके जी। गुलत्ती भी सेम रेसिपी होती है, कोई उनमें चेंजिंग ना होती है, मानो बस नाला चेंज कर छा है, सेम रेसिपी हम पहले ठाइंड से खा रही, यही तरीकाकार है, यही इसी तरह ही बनता है। उसमें हम अशरफियाँ डालते हैं और है ना वाइट कलर रहता है उसमें, जर्दे के कोई भी कलर इसमें हम डिफरेंट नहीं देते, वाइट शेड में होता है उसमें, गुलाब जामुन डिफरेंट कलर के काट के डाले जाते हैं और खोया डाला जाता है, सेम मेथड होता है, सेम तरीक़ेकार होता है। ठीक है, बहुत कम अब जर्दे में भी चिकन डाली जाती है और गुलत्ती में भी डालते हैं, लेकिन बहुत कम, वो खासकर इंडिया साइड पे जो गुलत्ती या जर्दा बनता है इसमें भी चिकन डलती है बॉयल करके। मैंने एक दो जगह शादी में खाई थी, मैं बड़ा अजीब सा लगा था लेकिन फिर मैंने खा ली थी, लेकिन उसमें चिकन के पीस होते हैं बॉयल करके, चिकन को छोटे छोटे चंक्स बना के वो भी डाले जाते हैं, जैसे आधा किलो में एक कप, बहुत से लोग खाते हैं। बिरयानी भी, मीठी बिरयानी भी बनती है, बहुत तरह गोश्त का अचार बनता है, इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज बनती हैं जो बहुत से लोग नहीं खाते, बहुत से लोग शौक से भी खाते हैं, तो इस तरह होता है। बाकी रेसिपी सेम है उसका, गुलत्ती का तरीका। ठीक है, आप उसमें चिकन डाल दें अगर डालना चाहें एक कप जितनी बॉयल करके, बाकी ये अशरफियाँ नहीं डालेंगी, वाइट इसी तरह राइस बनेंगे, गुलाब जामुन काट के डाल दें छोटे छोटे, 12-15 गुलाब जामुन रख दें उसके ऊपर, और खोया इसी तरह डालता है, बाकी सेम मेथड होता है। ठीक है, इनके हाणे बस 5 मिनट का पोइ इनके मिक्स करें, डिश आउट कंदासीं। ऐं ज़रदे जी रेसिपी जॾहिं रिपीट पियो कयाई त कॉल अची वरी रिपीट कराए थो। अधु किलो चांवर सेला सुठी क्वालिटी जा पिसाए छॾिजो 2-3 कलाक, अगरि पीले कलर में ठाहिणा आहिनि त पोइ पाणी में 2 खाइण जा चमचा, शाग जब पाणी बॉयल कंदो 2 खाइण जा चमचा ज़रदे जो पीलो रंग कजो। ऐं अगरि हिन तरीक़े सां ठाहिणो अथसि बग़ैर कलर जे, तव्हां हिनखे बॉयल करे फुल डन बॉयल थियणु कढी वठिजो छाणी में, हुनखां पोइ 3/4 कप तव्हां बनस्पति घी इवा जो गरम कंदो, हुनमें तव्हां विझंदो नंढा फोटा 12-15 तोड़े, 3-4 लौंग विझी दाग ठाहींदो, पोइ 1/2 किलो खंडु ऐं 1 गिलास 1 पाउ जेतिरो खीर विझी गॾु हुनखे चाश ठाहींदो, बॉइलिंग ईंदी चङी तरह, जॾहिं खंडु हुनजे अंदरि मेल्ट थी वेंदी हुनखां पोइ तव्हां छा कंदो, हिनमें चांवर विझी छॾिजो जेको बॉयल थियलु आहे, हुनखे मिक्स कजो, पाणी जॾहिं हुनजो खुश्क थियणु लॻंदो हुनजे मथां तव्हां केवड़ा वाटर 1 खाइण जो चमचे खां 2 खाइण जो चमचो केवड़ा वाटर 1 कप जेतिरी या हुनखां थोरी घटि किशमिश विझिजो, हुन क्वालिटी में तव्हां विझंदो डूंगी कटिंग करे बारीक कटल डूंगी विझबी 1/2 कप, अशरफियूं ॻाढ़ियूं ऐं सायूं 1/2 कप विझी छॾिजो या 1/2 पाउ विझी छॾिजो, ऐं बदाम 1/2 कप जेतिरा विझी ऐं हिनखे पोइ दम ते रखंदासीं, जॾहिं दम अची वेंदो सफ़ा तव्हांखे तयारु थी वेंदा त हुनजे मथां फिको माओ या कलाकंद मिलंदी आहे, उहो तव्हां 1 कप जेतिरी मथां रेशो करे विझी छॾिजो, मिक्स करे हिनखे डिश आउट करे वठिजो। ठीकु आहे, रेसिपी रिपीट करा रहा हूं इसकी मुतंजन की। इसके लिए हमने चावल लेने 1/2 किलो, अगर आपने डबल करके बनानी फिर ज़्यादा कीजिए, 1/2 किलो चावल सेला के आपने 2 से 3 घंटे भिगोने, 3 से 4 जग पानी बॉयल करें, अगर जर्दे कलर येलो कलर के बना रहे हैं तो 2 खाने के चम्मच जर्दे का रंग डाल के बॉयल करें, येलो कलर आ जाएगा चावलों में, और अगर आप वाइट बनाना चाह रही तो इसी तरीके से आपने चावल डाल लें, उसको बॉयल करके निकाल देना छन्नी में, उसके बाद 1/4 कप ईवा बनस्पति घी गरम किया, 4 अदद लौंग, 10 से 12 अदद 13-15 अदद आपने तोड़ के इलायची डालनी, भगार बनेगा, खुशबू आएगी। इसके बाद आपने 1/2 किलो चीनी और 1 गिलास दूध, दोनों 1 पाव जितना दूध साथ ही डालना है ताकि चीनी जले ना, जम जाती वरना पीसेस बन जाते, उसको बॉयल आने दें, झाग सी बनेगी अच्छी तब बॉयलिंग आएगी, उसके बाद चावल जो आपने छन्नी में निकाल के रखे थे वो डालें, मिक्स करें, मीडियम फ्लेम पर पकने दें, जब पानी दूध ड्राई हो जाएगा, चीनी का पानी ड्राई हो जाएगा, चावल बिल्कुल ड्राई होने लगेंगे, फिर चूल्हा हल्का करके जर्दे का रंग येलो, जर्दे का रंग ग्रीन वाला कलर, रेड कलर 3 ड्रॉप्स तीनों जगह पे थोड़ा थोड़ा ¼ टीस्पून डाल दें, केवड़ा वाटर 2 खाने के चम्मच ऊपर से डाल दें, 1/2 कप बादाम चॉप किया हुआ, 1/2 से 1/4 कप आपने किशमिश डाल देनी है, अशरफी ग्रीन और रेड 1/2 पाव डाल दें। ठीक है, इस तरह आपने किशमिश डाल देनी है और इसको कवर करके आपने दम पे रख देना 20 से 25 मिनट बाद, मिक्स करके खोया डाल के हम डिश आउट करेंगे। कॉल बट होता, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं नीलो बोल रही हूँ कराची से, फैसल बहुत अच्छा शो करते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। आज पहली दफा मैंने आपसे कॉल की है। ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, खाने पकाने के मुतालिक तो नहीं पूछना चाह रही थी, असल में मैं पूछना चाहती हूँ, आप अपने बेटे को लाए थे ना जी, जी तो उनका जो सर का आपने बालों का तेल बताया था उसके लिए, हाँ जी आपने यूज किया था वो? नहीं, मुझे मैं बनाना लिखा था, मैं उससे मिस हो गया, अब मुझे दोबारा बनाना है। ठीक है, तो मैं पूछना ये चाह रही थी कि उसका एक तो तरीका मुझे बता दें। ठीक है, और दूसरी बात ये कि वो जो आपने तेल में, उसी तेल में फिर हम मजीद वो डालते जाएं, उसी दाना मेथी में और तेल डालते जाएं? हाँ जी हाँ, नहीं फिर मेथी दाना भी आपने एक्स्ट्रा और डालना उतना ही।
अच्छा जैसे खत्म हो जाए हाँ, वो एक पाव तेल यूं करें जैसे आधा किलो आधा लीटर अपने ऑयल में 6-8 खाने के चम्मच मेथी दाना डाल के आपने वो जो खत्म हो जाए ना यूज कर लें पूरा ऑयल, उसके बाद दोबारा उसमें ऑयल तो डालेंगे लेकिन मेथी दाना सेम क्वांटिटी में अगेन और डालिएगा, ठीक है? वो पुराना वाला निकाल दें? नहीं, पुराना रहने दें। फिर जब तीसरी दफा करेंगी ना ये प्रोसेस तो वो वाला सारा निकाल दीजिएगा ताकि वो बहुत ज्यादा ना हो जाए, फिर आप दोबारा उसमें डालें। अच्छा, आधा किलो में आपने हमने 8 मेथी दाने 8 खाने के चम्मच मेथी दाना। अच्छा, वो रोस्ट करके थोड़े से हाँ, और फिर उसको ग्राइंड करके थोड़ा सा, ग्राइंड बहुत ज्यादा नहीं करें, इमाम दस्ते में हल्का हल्का कूट ले, इसका मुंह टूट जाए। अच्छा, पाउडर फॉर्म में नहीं, नहीं पाउडर फॉर्म में नहीं। और फिर एक बात ये कि ये धूप में कितने दिन रखना है आपका? अब आजकल जिस कराची में तो धूप अच्छी खासी है, तेज है, आप 8 से 10 दिन कम से कम रखें और डेली 3-4 दफा उसको हिलाएं, ऊपर नीचे से वो दाने होते रहेंगे, फिर उसको आप 10 दिन के बाद यूज करना शुरू करें। रात को हेड मसाज करें अच्छी तरह, सुबह फिर शैम्पू कर लें, इस तरह वीक में 3-4 दफा जितना मौका मिले आप लगाएं, 3-4 महीने में आपको रिजल्ट आ जाएगा उसका। चलें, बहुत शुक्रिया फैसल। एक बात ये थी जबानी, मुझे अभी मैं फोन बंद करूंगी तो आप मुझे चपली कबाब बता दें कैसे, बस मोटे मोटे इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बहन तो आपकी बहुत फैन है, पागलों की तरह। सलाम कहिएगा सबको मेरा। मेरा बहुत शुक्रिया जी, आपको भी बहुत सलाम, हम सबकी तरफ से तमाम सामीन को बहुत सलाम। थैंक यू, ओके जी, आप बता जरूर दीजिए। मैं बिल्कुल अभी बताता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ठीक है, हे असा तैयार थी, मैं इनके चूल्हो हटाई कवर हटाई था, चलो कवर मैंने हटा दिया 2 मिनट के लिए ताकि स्टीम निकल जाया करे, फिर आप मिक्स किया करें। फ़ौरन गरम में भी जब हम चमचा डालते हैं तो वो राइस ख़राब हो जाते हैं, टूटना छू जाते हैं। 2 मिनट इसको छोड़ दें। रेसिपी रिपीट कर आपको बता रहा हूँ, चपली कबाब आधा किलो की बता रहा हूँ, अगर 1 किलो बनाएंगे तो आप खुद डबल कर लीजिएगा, ठीक है? आधा किलो आपने बीफ का कीमा लेना है, कीमा हमेशा वॉश करके, गोश्त का पीस वॉश करके फिर कीमा बनवाया करें। कीमे को आपने मशीन का वैसे भी मशीन में जाएगा, मशीन का कीमा आपने डालना है ग्राइंडर में, ठीक है, सॉरी चॉपर में। उसके साथ आपने अच्छी तरह उसको पीसने के लिए आपने इसमें क्या डालना है, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच भर के डाल दें, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच भर के डाल दें, ठीक है? उसके साथ आपने गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच डालना है, नमक आप आधा चाय का चम्मच डाल दें, नमक हम बाद में भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है? और प्याज आपने अलग से फाइन ऑमलेट की तरह चॉप कर देना है, ठीक है, वो फिर उसमें डाल दें, या मोटे मोटे पीसेस करके वो भी डाल सकते हैं। अगर आधा किलो कीमा है तो 3 अदद प्याज होने चाहिए, ठीक है? इनको आपने अच्छी तरह ग्राइंड करना है, ग्राइंड करने के बाद आपने क्या करना है, पीसने के बाद आपने निकाल देना। अनारदाना पानी में डुबो के रखें, 4 से 5 खाने के चम्मच अनारदाना पानी में डिप करके, ठीक है, नचोड़ के वो डालें ताकि उसकी रेत भी निकल जाए, सॉफ्ट हो जाए। साबित धनिया कूट के 1 खाने का चम्मच इसमें डाल दें, सफ़ेद ज़ीरा हल्का सा कूट के 1 चाय का चम्मच इसमें डाल दें, अच्छी तरह हाथ से मिक्स करें। उसके बाद आपने क्या करना है, हरी प्याज लें, हरी प्याज का जो वाइट पार्ट होता है वो भी 1/2 कप, जो वाइट के सेंटर में जो लाइट से ग्रीन कलर का होता है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा था, वो भी चॉप करके 1/2 कप जितना अच्छी तरह मिलाएं थाल में या उसमें निकाल के। बेसन नहीं डालना है, ना चने का पाउडर डालना है, आपने 1 से 1.5 कप आपने वो लेना है मकई का आटा, इजीली मिल जाता है यहाँ पे कराची में, जायका मसाले की शॉप है जौहर में, हर जगह है, यहाँ से ले लें। और मकई का आटा आजकल गर्मी है तो आप फ्रिज में रखें, ख़राब नहीं होगा। मकई का आटा फिर उसमें थोड़ा थोड़ा मिलाएं, और जब आपने बनाने हैं उस वक्त मकई का आटा मिलाएं, पहले से डाल के ना रखें। मकई का आटा मिक्स करें, अच्छी तरह मिक्स हो जाए, फिर हाथ गीला करके हाथ पे बॉल बनाएं और फिर उसको फ्लैट करके उसका शेप दें। टमाटर का स्लाइस अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो उसके ऊपर टमाटर का स्लाइस रख के दबा के वो आप शेलो फ्राई करें, अगर गिर जाता है टमाटर का स्लाइस तो ना रखें। एक तरीके से एक तरफ से फ्राई जाए तो 2 स्पून से कफगीर से पलटा के सेकंड साइड से करें, बहुत मज़े के चपली कबाब बनते हैं इजीली। ये बिल्कुल सिंपल रेसिपी, बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है जो आजकल चैनल्स पे बता रहे हैं। मैंने वो आपको सिर्फ मसाले बताए जो ये पेशावर साइड पे जो चपली कबाब बनते हैं, ठीक है? अभी ये ज़रदा हल्का हल्का मैं खोल रहा हूँ, ठीक है, इस तरह, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं होता, हल्के हाथ से आप इसको मिक्स करेंगे इसके राइस, ठीक है, हल्के हाथ से इनके मिक्स का, जो वधिक तेज चमचो ना हिलाए ताकि सजा कलर जिंदे अंदर अच्छी वन इनके असा कटी वठंदासीं, ठीक है? मुतंजन हमारा हो गया तैयार। अगर कलर सारे नहीं है, ग्रीन नहीं अवेलेबल है, वाइट में भी बना सकती हैं, वाइट में भी बनता है, और अगर आपके पास 1 कलर है तो आप 1 कलर में भी बना सकती हैं, ठीक है? इस तरह कलरफुल ये ज़रदा, खोया ऊपर से डालें, अगर दम पे रखना है तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि दम पे वो फिर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, गर्म हो जाता है, खोया ऐसे ही हाथ से मसल के डाल दिया करें, ऊपर से 1 कप जितना खोया, ठीक है? इस तरह कलर आ गया, बादाम वगैरह सब इसके ऊपर, ये
हमारे कलर वाले राइस डिफरेंट शेड में आ गए। उसके बाद खोए को आपने क्या करना है, हाथ से इस तरह मसल के डिश में डालें। एक कप जितना खोया काफ़ी होता है, आधा किलो चावल में बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खोए को कभी भी भूनते नहीं है इसमें डाल के, खोए को कभी भी दम पे ना रखें। देग में आपने जो देखा होगा, देगें आती हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जब तैयार हो जाता है आखिर में वो खोया डाल के भिजवा देते हैं, ठीक है, निकालते वक्त बिल्कुल एंड में खोया डाल के दम पे नहीं रखते, बस आखिर में खोया डाल के ढक्कन लगा देते हैं, चूल्हा बंद होता है, वो फिर खोया अंदर ऐसे पड़ा रहता है। ठीक है, इन तरीके से माओ हिंजे मथा अची वो मज़ेदार ही मुतंजन तैयार थी वियो है। सेम तरीके से ज़रदो भी तैयार थी, सिर्फ पानी में कलर विझणो हो तो येलो कलर तांजन में अची वो पानी में। ठीक है, ये हमारा हो गया मुतंजन तैयार। ईवा बनस्पति घी के साथ बेहतरीन बनस्पति घी है, उसमें आप ये खाने बनाएं मज़ेदार बनते हैं इंशाल्लाह। कल की रेसिपी देखिएगा, पराठा रोल बनाएंगे, दो तरीके के पराठा रोल बनाऊंगा, ठीक है, एक बारबेक्यू फ्लेवर में बनाएंगे, एक चटपटा करके डिफरेंट बनाएंगे, दो फ्लेवर में बनाऊंगा ताकि आप लोग को दोनों फ्लेवर मिले। ठीक है, सुबह 12 बजे रिपीट चलेगा। कुकिंग विद शेफ एस मेरा पेज है, वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाएगी ईजिली, आपको हर चीज़ वहाँ पे मिल जाती है। कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई चीज़ मिस हो गई है, कोई ऑयल के बारे में किसी चीज़ के बारे में आपने पूछना हो तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकती हैं। ठीक है, इंशाल्लाह करके रेसिपी देखिएगा, बहुत अच्छी होगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिन टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पर, आपको मेरी वीडियोज़ मिल जाएंगी सिन टीवी HD कुकिंग शो, या कुकिंग विद फैसल भी सर्च करेंगे यूट्यूब पर, वहाँ भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इंशाल्लाह सुबह 12 बजे रिपीट हलो कुकिंग विद शेफ फैसल, मुझे पेज है उते रेसिपी अपलोड थी वी फेसबुक से, मुझे पेज दिसो लाइक कर, ठीक है, उनके अलावा वीडियो दिसण ला सर्च कर सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब से, ताकि मुझे सारी वीडियोस मिली वेंदी। सुबह जो प्रोग्राम दिसो तमाम बेहतरीन होंगे, मज़ेदार रेसिपीज चाहिंदी, पंजो खोड़ सारो ख्याल रखो, दुआ में याद रखो, अल्लाह हाफिज़।